लो जी चलिए हुण ट्राई लैण चलाणगे उस्ताद जी गड्डी दसणगे किदां चल रही है। चलाइए उस्ताद जी। हां जी चला सब ये सारा ये ब्रेक दा कैलिपर भी खुलता है। कैलिपर खुलता है। खोलना पैंदा है। शॉकर खोलना पड़ते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। देख लो लाइट चल गई बीच में। काम बड़ा औखा हो गया इस टाइम। हम देख लो 10:30 बज गए। देखते हैं कितना बजेंगे। लो जी करिए स्टार्ट। मारुति सुजुकी जिमनी दी अज तुहानू दिखावांगे जी जिमनी नू 20 इंचेस अलॉय फिट करने लई आपां नू की ऑल्टरेशन करनी पैंदी है की उस च होर करना पैंदा है सारा तुहानू दिखावांगे अगे वीडियो च। ते बने रहो देखते रहो दिखाने जी वीडियो स्टार्ट जिमनी दी। ते चला के देखदे नू किदां चलदी है इह किदां इहदी पिकअप है की मजा आउंदा इहनू चलाउणा तां देखदे हां जी अगे। हां बहुत है इस गड्डी बारे कि इसकी पिकअप बहुत ज्यादा है बहुत बढ़िया चलती है। बाकी चला के देखते हैं जी कितना है। लो जी करिए स्टार्ट। क्या बात पिकअप तो बहुत बढ़िया है कार। लो जी आप चला के देखी कार पिकअप बहुत वधिया है कार दी बहुत मजा आया चला के। बाकी हुण असीं पहुंच गए हैं जिथे खड़ानी है गड्डी लिफ्ट लई ते इहनू खड़ाने हैं ते काम शुरू कराइए इहदा फिर छेती छेती लॉय पाईए इस च देखिए। बाकी गड्डी बहुत वधिया है अंदरों बहुत बूट स्पेस बहुत वधिया है इहदा गड्डी दा लैग स्पेस बहुत सोहना है पिछे समान रखण नू भी खासी जगह है देखण च ही छोटी है वैसे अंदरों बहुत सोहनी है कार। देखते हैं लॉय कि जचद लिफ्ट आने तो बाद दिखाने तुम सारे खड़ाइए इन आप देख सकते हो लैग स्पेस बहुत वधिया है गड्डी का दरवाजे बहुत वाइड हैं पिछे नू भी वधिया जगह है आराम नाल फोर सीटर कार है ये बहुत प्यार नाल चार बंदे बह सकते डिग्गी च भी बहुत वधिया है जगह देख सकते हो काफ़ी समान आ सकता है बहुत स्पेस है। देखिए हुण खड़ा के छेती छेती चकवाइए नू गड्डी नू जिदां तुसीं देख सकते हो टायरां दे विच 5 उंगल दे आसपास गैप है इहनू आपां 1.5 तों 2 इंच चकांगे लॉय दे लई देखदे हां फिर किदां लगदा है। हाँ जी जॉनी भाई हो गया खोलता खोलता सर बस अब ये सारा ये ब्रेक दा कैलिपर भी खोलता है। कैलिपर खोलता है। खोलना पैंदा है। शॉकर खोलने पड़ते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। स्टीयरिंग रॉड खोलनी पड़ती है। अगर ये तो हम स्पेसर अपना किथे पैणा है ऊपर ऊपर पैणा कितने इंच दा पाओगे ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ 1.5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇੋਂ ਵੀ 1.5 ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇੋਂ ਵੀ 1.5 ਪਿੱਛੇੋਂ ਵੀ 1.5 ਪਿੱਛੇ 2 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੈਨਾ ਚਲੋ ਕਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸਰ 4-5 ਆਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਚਲ ਡਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸਪੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਟਲ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੇਸ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਿ ਰਬੜ ਦਾ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਬੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 40 ਐਵੇਂ ਮੁੱਟ ਜੇ ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ ਇਹਨੇ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਪਰੋਕ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਉਂਗਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10-2 ਇੰਚ ਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਮਨੀ ਕੋਰ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਫਟ ਹੈ 18 ਇੰਚਸ ਅਲੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਹਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚ ਪਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਲਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ
बाकी ऑल्टरेशन काफ़ी करनी पड़ती है इसमें टायर अलॉय डालने के लिए, चाहे आप लिफ्ट करो ना करो फिर भी कटिंग तो होगी। लो जी करो चेक, ये वाली तो रेडी है कार, बन गई रानी तैयार, सोहनी लग रही कार, बाकी तुम दसो वधिया रिएक्शन हरे लोग देख रहे हैं, वधिया खड़खड़ गड्डी नूं पाउणे दी वारी है, ये भी कर दें तैयार। लो जी करो हुण अच्छी तरह चेक, फिर दिखा देने तो व्हील जेड़ा कि फाइनल होया जिमनी च, ये 20x10 जे दा लॉय है, एंड सब तो बड़ी गल कि विदाउट एनी कन्वर्टर फिट होएगा जिमनी च, डायरेक्ट फिटमेंट नाले यूनिक डिजाइन है। बाकी दिखाने थानू कि लगी गड्डी, तो थोड़ी जी सैटिंग कर ली है फिर इन फिट कर देंगे, तो बाकी दिखाने थानू इन्नी देर उसी लॉय दे शॉर्ट चेक करो। लगता सवेरे ही काम होएगा यदा पूरा, कि बड़ी देर से लगी हुई थी लाइट चल गई, हूँ लॉयटर सारे फिट हो गए हैं, बट गड्डी टचिंग आ रही है हले भी, तो वो ग्राइंडर चाहिए अपन जो कि राइट हैंड से चलेगा। मॉर्निंग जी सारिया, रात थोड़ा जहा लेट हो गए तो जिमनी के लॉय नहीं पै पाए, हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं काम, तो उम्मीद है एक डेढ़ घंटे थोड़ा थोड़ी देर चुकी तक लग रही है, रात थोड़ा लाइट चल गई काम बिच रुक गया तो रह गया सारा काम। तो करो चेक, पिछले हो गए हैं फिट टायर्स, लिमिटेड जो बार हैं, बार भी ज़्यादा नहीं आते, जो ओवर साइज नहीं है, जिदा कन्वर्टर लागे बहुत ओवर साइज बार आ जाते हैं, लिमिटेड जो बार है, जेन्युइन सोहनी लग गई कार, बाकी तुम देखो सारे 3 बज गए हैं तो गड्डी का काम तकरीबन रेडी है, थोड़ी थोड़ी लुक आने लग गई गड्डी की, हम अगले टर रह गए हैं, वो लाने में थोड़ी देर की भी कटे बंपर कटा उस्ताद जी, इधर से कटा कितनी काटनी पड़ी अपने को, खासी काटनी पड़ी ना वीसी ने उठवाने के बाद भी, और आगे से काफी फिटी है, ठीक है। फॉग लैंप तो लगाई है, फॉग लाइट की जगह तो है, अभी स्पेशल भी बढ़िया फिट हो गए ना, चेक लगे ना तो हल्का सा डेटा हो गया शॉर्ट कर स्प्रिंग, बस और 10-15-20 मिनट और गाड़ी रेडी हो जाएगी, दिखाते हैं आपको, बाकी रिम के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, रिम कौन सा डाला है इसमें, क्या है, कौन सा टायर यूज किया है, हाँ टायर लॉय जो इसमें फिट किया है, करो चेक। अभी कैप उतारा हुआ है टायर का बिकॉज अभी लॉय फिट करना है, तो ये लॉय है जी, लॉय के बारे में आपको बताएं तो इसकी जो विड्थ है 20x10J का व्हील है, और अच्छा खासा लिप के साथ ये व्हील है, प्लस जो टायर इसमें यूज़ किया है वो है 285/50R20 रोड क्रूजर 80, ऑल टेरेन पैटर्न है, बिकॉज कस्टमर को यूज़ ये कार रोड पे ज़्यादा करनी है, ऑफ रोड कम करना है, इसलिए हमने 80 टायर डाला है, अगर आप चाहो तो आप एम्प्टी टायर पे भी जा सकते हो अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है, आप चाहो तो इसमें MP SP जैसे ही आपको मतलब ठीक लगे, जहाँ पर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलनी है उस पर डिपेंड करता है, रोड पे ज़्यादा चलानी है आपको बिल्कुल ऑफ रोड नहीं करना है तो आप ST टायर पे जा सकते हैं, अभी कार ऑन रोड ऑफ रोड सारी जगह यूज नहीं है इसलिए हमने इसमें 80 टायर डाला, तो बाकी आप MP भी डाल सकते हो अगर आपको प्रॉपर यूज़ ऑफ रोड कार टाइप करनी है, बट उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको रन साइज आप छोटा रखें, टायर की प्रोफाइल अच्छी रखें ताकि आपको ऑफ रोड में कोई प्रॉब्लम ना आए, गाड़ी के सस्पेंशन पे भी फर्क ना पड़े। बाकी भी ये कार दिखाते हैं, इनको थोड़ी सी बल्की लुक में चाहिए थी कार इसलिए 20 इंचेस पे गई हूँ, बाकी देखते हैं। अपना भी गड्डी का टायर फट गया उन्हें पता नहीं लगे गड्डी च लगी बड़ी तेज गड्डी, तो जी गाड़ी कर दी रेडी होगी सेटिंग, चलो जी देखो जी फिर कार किदा लग रही, हूँ फाइनल लुक आ गई है जी कार की, दसो किदा लग रही है तुसी, बाकी जिहड़ी चीज़ां मैं तुहानू दस सकदा दस दें जी, जिहड़ा टायर है वो स्लाइटली जा बाहर आया है, जिदा कन्वर्टर लागे बहुत ओवर बार हो जाता है, ये विदाउट कन्वर्टर फिट हैं तो करके इस
ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡ ਬਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਲੁੱਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 80 ਫਿੱਟ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਲੋਏ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਦੀ ਖੜਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਬਟ ਉਹ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਲੋਏ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਲੈਣ, ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਾਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਈਏ, ਪੰਜ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 5 ਤੇਰਾ ਭੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੋਜ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਓ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ, ਰਿਵਿਊ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੂ ਤੁਹਾਡੀ, ਡਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਰੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲਾਈਏ ਹੁਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਜੀ ਪੈ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਕੱਲੇ ਵੀਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੋਂ। ਚਾਬੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਡਨ ਅਤੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 19 ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਗੈਂਗ ਪੂਰੀ ਚੱਲੇ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਟੋਕਨ ਬਾਈ, ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵੜਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਕਨ ਬਾਈ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਦੇਖੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 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 ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਏ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿਕਅਪ ਮੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੋਏ ਡਾਲेंगे, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝੋਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਗਾੜੀ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ, ਉਠਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ,
पिछला टायर प्लास्टिक बहुत ना दे बराबर मैं इदा नहीं चलते जिनी मर्जी तेरे कट दो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है बस उस टाइम हल्का जहा लगता है वो भी उसका माइलेज बहुत कर ली है वो फिर पता चंडीगढ़ हम दो दिन मेरे को गड्डी लग गए दो दिन है ना अपने तीजा दिन सी जे पर दो दिन का मुल है हाँ हूँ तसली हो गई पूरा सही है तुसी दो दिन जो पूरे दल ला जाने का बहुत मुल है मतलब वैसे हाथ नाल जे कटदे बुरा बहुत लगना सी हां नहीं पता लगना चलिए फिर हुण बाकी चला के देखियो तुसीं जाके कोई दिक्कत आई ना ना सही हस्ता जी ठीक है जी बाकी हुण तुसीं दस्सो कमेंट करके किद्दां लग रही गड्डी डन है जी बाय बाय।